Good morning, all of you. Welcome to LFS online classes. बच्चों, कल हमने देखा था पार्ट दो, है ना? सीख, ये कहानी हमने पढ़ी थी और हमें यह सीख मिली थी कि हमें अपने माता पिता के कार्यों में उनका सहयोग करना चाहिए, साथ ही जब वो बूढ़े हो जाएं, तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो कहानी आपको समझ में आ गई होगी। कुछ हमने जो है गृह कार्य भी दिया था आपको होमवर्क करने के लिए, मुझे उम्मीद है कि आपने वो भी कर लिया होगा। अब हम आज कर रहे हैं प्रश्नों के उत्तर। तो इसमें सबसे पहला है मौखिक प्रश्न। पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। वन वर्ड आंसर है, एक शब्द में, किसान के बेटे का क्या नाम था। बस पहला प्रश्न हम लिख लेते हैं मौखिक में, किसान के बेटे का क्या नाम था। क्या नाम था आपको पता ही, याद ही हो गया होगा, किसान के बेटे का नाम क्या था या क्या नाम था। सीखी बात है, क्या नाम था बताइए। अगर एक शब्द में हम उत्तर दें तो किसान के बेटे का नाम था अरुण। किसान के बेटे का क्या नाम था, किसान के बेटे का नाम अरुण था। किसान के बेटे का नाम अरुण, अरुण था। ठीक है बच्चों, अब दूसरा प्रश्न है मौखिक में, अरुण के पुत्र की देखभाल कौन करता था। यानी अरुण का जो पुत्र था उसकी देखभाल कौन करता था बताइए। अरुण के पुत्र की देखभाल कौन करता था, कौन करता था? अरुण के माता पिता, है ना? अरुण के पुत्र की देखभाल उसके यानी कि अरुण के नहीं, हम अरुण ही लिख लेते हैं उसके की बजाय। ठीक है, अरुण के माता पिता, अरुण के माता पिता करते थे। ये हमारे पास दो ही प्रश्न है मौखिक का बच्चों, तो ये आप लिख लीजिए। जब तक आप लिखिए मैं आपको थोड़ा समय देती हूँ, ठीक है? तब तक हम जो है रिक्त स्थान कर लेते हैं मौखिक रूप से। आप ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला है, एक दिन अचानक किसान की डैश का निधन हो गया। किसका निधन हो गया? किसान की पत्नी का, है ना? किसान की पत्नी का निधन हो गया। डैश को खेती सही तरीके से करनी नहीं आती थी। किसे नहीं आती थी सही तरीके से करने? किसान को या उसके पिता को, यानी किसान को या उसके पुत्र को, किसे नहीं आती थी? अरुण को, यानी कि जो कि किसान का पुत्र था, अरुण को जो है खेती करनी नहीं आती थी। किसान के खेत कैसे थे, छोटे छोटे थे या बड़े बड़े? छोटे छोटे थे। अरुण धीरे धीरे डैश हो गया। क्या हो गया, बूढ़ा या जवान? जवान हो गया। अरुण अपने पिता को अपने डैश वापस ले आया। कहाँ ले आया, खेत में, घर में या धर्मशाला में? कहाँ ले आया, घर। अरुण जो है अपने पिता को अपने साथ वापस धर्मशाला ले आया। ठीक है बच्चों, ये
आपने लिख लिया होगा। अब हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं लिखित प्रश्न। तो इसे मैं मिटा देती हूँ। अब हम बढ़ रहे हैं लिखित प्रश्नों की तरफ। ये वन वर्ड आंसर, यदि आपने कहानी ध्यान से सुनी होगी तो आप इसे अपने आप भी कर सकते हैं, है ना। पहला प्रश्न है लिखित में, लिखित प्रश्नों के उत्तर। जिसमें पहला प्रश्न है, किसान अपने बेटे के प्रति कैसा व्यवहार रखता था, या किसान का अपने बेटे के प्रति कैसा व्यवहार था। कैसा व्यवहार था? पहले प्रश्नों की तरफ देखें। किसान का, किसान का अपने बेटे, किसान का अपने बेटे के प्रति कैसा व्यवहार था। कैसा व्यवहार था बताइए, आप सोच के देखिए कैसा व्यवहार था। कैसा व्यवहार था? सबसे पहली बात कि किसान का वह इकलौता पुत्र था, है ना, और लाडला भी था, इसलिए किसान उससे बहुत प्रेम करता था। साथ ही वह उससे कोई काम भी नहीं करवाता था। किसान का एक ही बेटा था, इसलिए वह उसे अत्यधिक प्रेम करता था। इसलिए वह अपने बेटे से अधिक प्रेम करता था। यानी अत्यधिक प्रेम करता था, और उससे, उससे यानी कि अपने बेटे से, उससे कोई और उससे कोई काम, उससे कोई काम नहीं करवाता था। यानी उसे कोई काम करने के लिए नहीं देता था। यह कहकर कि एक ही बेटा है, जब समय आएगा तो वह कर लेगा, इसलिए उसे जो है वह कोई काम करने के लिए नहीं देता था। ठीक है बच्चों, किसान का एक ही बेटा था, इसलिए वह अपने बेटे से अधिक प्रेम करता था, और उससे कोई काम करने, सॉरी, उससे कोई काम नहीं करवाता था। ये उसका अपने बेटे के प्रति व्यवहार था। किसान बीमार क्यों हो गया, क्या कारण हो सकता है? दूसरा प्रश्न है, किसान बीमार क्यों हो गया, बताइए। किसान बीमार क्यों हो गया? बहुत आसान है, क्यों हो गया बताइए। किसान बीमार क्यों हो गया? अगर एक उत्तर दिया जाए तो
एक तो किसान जो है वृद्ध हो चला था, और दूसरा अधिक काम करने के कारण। ठीक है, अत्यधिक काम करने के कारण किसान बीमार हो गया, या कहें खेतों में, है ना, खेतों में अधिक काम, खेती विभाग अधिक काम करने के कारण, अधिक काम करने के कारण किसान बीमार हो गया। बच्चे बहुत ही छोटा उत्तर है इसका, किसान बीमार क्यों हो गया, खेतों में अधिक काम करने के कारण, है ना। ये हो गए हमारे दो प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न है, पत्नी की शिकायत सुनकर अरुण ने क्या किया, क्या किया बताइए, पत्नी की शिकायत सुनकर अरुण ने क्या किया। मुझे उम्मीद है आपने पहला प्रश्न लिख लिया होगा, है ना, अब मैं इसे मिटा देती हूँ। पत्नी की शिकायत सुनकर, तब तक मैं यहाँ प्रश्न लिख देती हूँ, आप लिखते रहिए। प्रश्न 3, पत्नी की शिकायत सुनकर अरुण ने क्या किया, अरुण ने क्या किया बताइए, आप सोचिए क्या किया होगा अरुण ने। वह उसे अपने पिता को धर्मशाला छोड़ने के लिए ले गया, यानी पत्नी की इतनी झल्लाहट, इतनी बातें सुनने के बाद जो है उसने निर्णय किया कि पिता को जो है मैं धर्मशाला में छोड़ आऊंगा। उत्तर लिख लीजिए, पत्नी की शिकायत सुनकर अरुण ने अपने पिता को धर्मशाला धर्मशाला में छोड़ने का निर्णय लिया, धर्मशाला में छोड़ने का निर्णय लिया। ठीक है बच्चों, पत्नी की शिकायत सुनकर अरुण ने क्या किया, प्रश्न हमारा तीसरा प्रश्न है हमारा। उस जवाब है, पत्नी की शिकायत सुनकर अरुण ने अपने पिता को धर्मशाला में छोड़ने का निर्णय लिया। उसने यह सोचा कि अब मैं अपने पिता को धर्मशाला में छोड़ आऊंगा। ठीक है, अभी मैं पहले प्रश्न का उत्तर भी बता दे रही हूँ। अब हम आते हैं चौथे प्रश्न में, चौथा प्रश्न है हमारा, अरुण अपने पिता को धर्मशाला ना छोड़कर घर वापस क्यों ले आया। चौथा प्रश्न है, अरुण अपने पिता
पिता को धर्मशाला धर्मशाला ना छोड़, धर्मशाला ना छोड़कर घर वापस क्यों, या घर क्यों वापस ले आया, घर वापस क्यों ले आया, एक ही बात है, घर वापस क्यों ले आया, सोचिए क्यों लेकर आया होगा, बताइए। यानी अपने ही पुत्र द्वारा किए गए प्रश्न, अरुण का जो है अपने ही पुत्र द्वारा किए गए प्रश्न पर जो है वह शर्मिंदा हुआ, यानी उसकी आंखें खुल गई यह सोचकर कि आज यदि मैं अपने पिता के साथ ऐसा कर रहा हूं तो जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो मेरा पुत्र भी मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। चलिए उत्तर लिखते हैं। अरुण के बेटे द्वारा, यानी अरुण के बेटे द्वारा यह कहना कि यह कहना कि ध्यान दीजिएगा, इसको आप जो है डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखेंगे, ठीक है? ठीक है पिताजी, ठीक है पिताजी, जब आप बूढ़े हो जाएंगे, यानी कि आप जैसा व्यवहार दादाजी के साथ कर रहे हैं, और जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं भी आपके साथ वैसा ही करूंगा। देखिए एक छोटे बच्चे के मन में जो है अपने दादा के प्रति कितना स्नेह है कि उसने यह सिखा दिया अपने पिता को कि यदि आज आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, दादाजी के साथ आप ऐसा कर रहे हो, तो कल मैं जब आपके साथ ऐसा ही करूंगा तो आपको कैसा लगेगा, है ना? जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं भी आपको मैं भी आपको इसी तरह मैं भी आपको इसी तरह यानी जैसा आपने जो है दादाजी को आप धर्मशाला छोड़ने आए हो, इसी तरह धर्मशाला में छोड़ आऊंगा, इसी तरह धर्मशाला में छोड़ आऊंगा। ये जो है अरुण का बेटा कह रहा है, ठीक है पिताजी, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं भी आपको इसी तरह धर्मशाला में छोड़ आऊंगा, ठीक है? यानी यह सुनकर, यानी इतनी बातें सुनकर, यह सुनकर अरुण की आंखें खुल गई, अरुण की आंखें खुल गई, और
अरुण की आंखें खुल गई और वह अपने पिता को और वहां अपने पिता को देखा अपने पिता को धर्मशाला ना छोड़कर धर्मशाला ना छोड़कर घर वापस ले आया। ठीक है बच्चों, एक बार देख लीजिए। अरुण के बेटे द्वारा यह कहना कि ठीक है पिताजी, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं भी आपको उसी तरह धर्मशाला में छोड़ आऊंगा। यह सुनकर अरुण की आंखें खुल गई और वह अपने पिता को धर्मशाला ना छोड़कर घर वापस ले आया। आंखें खुलने का अर्थ होता है यानी कि जो बात उसने कही, उसने यह सोचा कि मैं जो करने जा रहा था वो गलत है, आज मैं अपने पिता के साथ ऐसा कर रहा हूँ, कल मेरा ही बेटा यदि मेरे साथ करेगा तो मुझे कैसा लगेगा, जबकि मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो मेरा ध्यान रखेगा। अब है पांचवा प्रश्न, यानी कि अंतिम प्रश्न है। यदि आपने प्रश्न तीसरा लिख लिया होगा बेटा तो मैं इसे मिटा दूं। पांचवा प्रश्न है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता के साथ उनके कामों में हाथ बटाना चाहिए, तथा जब वो बूढ़े हो जाएं यानी वृद्ध हो जाएं तो उनकी देखभाल करनी चाहिए। पांचवा प्रश्न लिख लीजिए तब तक। इस कहानी से, इस कहानी से हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये मैंने पाठ के शुरू में ही बताया था आपको। ठीक है, उत्तर भी लिख लेते हैं साथ साथ हम। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने हमें अपने माता पिता के हमें अपने माता पिता के कार्यों में उनका सहयोग करना चाहिए, उनका सहयोग
करना चाहिए। तथा उनका सहयोग करना चाहिए, उनका सम्मान करना, सम्मान करना चाहिए तथा वृद्धावस्था में, वृद्धावस्था में ठीक प्रकार से या ठीक से उनका ठीक प्रकार से उनका ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसलिए मैं एक लाइन बता देती हूँ यहाँ से पहले प्रश्न के उत्तर में, ताकि आप जो है उसे दोबारा ना लिख लें। ये रहा हमारा पांचवा और अंतिम प्रश्न कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता के कार्यों में उनका सहयोग करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए तथा वृद्धावस्था में ठीक प्रकार से उनका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी लिखित प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट हो गई है। कल मैंने आपको दिया था वाक्य बनाने के लिए, ठीक है। आज मैं इस पाठ को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।